कोरोनाच्या 2 वर्षांनंतर या वर्षी शारदीय नवरात्रीच्या शुभ पर्वावर शहरात भाविकांमध्ये उत्साह बघायला मिळतोय. तसेच जागोजागी विविध मंडळांनी देवीच्या सुंदर व आकर्षक मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली आहे. विविध ठिकाणी रास गरब्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील जरीपटका क्षेत्रात जरीपटका रास गरबा महोत्सव मागील 13 वर्षांपासून आयोजित करण्यात येतोय. या वर्षी सुद्धा जरीपटका रास गरबा महोत्सव 2022 मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतोय. यह जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह पिछले 11 वर्षों से जरीपटका में हो रहा है. यह जरीपटका नहीं, यह उत्तर नागपुर और पश्चिम नागपुर की शान है. आज यहाँ पर लगभग पूरे नागपुर से, परंतु उत्तर नागपुर और पश्चिम नागपुर के बहुत सारे माता के भक्त आते हैं और यहाँ पर 8 दिन का जो आनंद है वो बड़े उत्साह से लेते हैं. और यहाँ पर जो गरबा है बहुत उत्साह से मनाया जाता है और श्रद्धा और भावना के साथ माता का आगमन किया जाता है. जरीपटका रास गरबा महोत्सव ये नागपुर की शान बन चुका है और पिछले 13 वर्षों से ये जरीपटका में आयोजित किया जा रहा है. जरीपटका रास गरबा महोत्सव समिति जो हमारे एक बहुत ही सब मित्र परिवार है, उसमें सब हम लोग, और पिछले 13 वर्ष पहले जब हमने पहली बार नागपुर में जरीपटका में विशेष रूप से ये शुरू किया, तब से लगातार एक पारिवारिक माहौल में गरबा जो होता है उसकी प्रतिकृति यहाँ साकार होती है माता रानी के दर्शन के साथ. और आज नवमी का दिन, आज नवरात्रों का भी आखिरी दिन है और हमारे गरबे का भी आखिरी दिन, क्योंकि हम आखिरी के 4 दिन ही आयोजित करते हैं हमेशा कई वर्षों से. आज जो स्टार्टिंग में आरती हुई 8 बजे, उसके बाद गरबा शुरू हुआ और एक समापन के टाइम पे महाआरती की जाएगी. वो महाआरती पूरे लोगों द्वारा, जो यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, हजारों लोगों की उपस्थिति में हजारों मनोकामना दीपक लेके माता रानी की आरती करते हैं हमारी माता रानी के चरणों में. यही प्रार्थना है कि हमारा जरीपटका और नागपुर, हमारा राज्य, हमारा देश हर प्रकार से सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, इसकी माता रानी से मन्नत मांगी जाती है. किसी भी प्रकार की कोई आपदा ना आए, इसी के साथ ये गरबा महोत्सव शुरू हुआ है, यही उम्मीदों के साथ. और आप सभी का बहुत प्रतिसाद हमें मिलता है. मैं हमेशा आप लोगों का यही प्यार बना रहे, यही उम्मीद करता हूँ. जय माता दी.